राजस्थान के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता का शारदीय नवरात्र के लक्खी मेले में चौथे दिन मां जीण भवानी ने भक्तों को मां कुष्मांडा के रूप में दर्शन दिए। मेले के चौथे दिन हजारों श्रद्धालु जीण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं 12 अक्टूबर तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जीण माता से श्याम पाराशर ने बताया कि रविवार को माँ जीण भवानी का फूलों और पोशाकों से विशेष श्रृंगार किया गया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, साथ ही 100 सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। पाराशर ने बताया कि जीण माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था कर रखी है। ज्यादा भीड़ होने पर 2 अतिरिक्त गेट भी खोल दिए जाएंगे। मेले में SDM दिव्या चौधरी, तहसीलदार, थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की आशंका है, इसलिए व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और समस्त विभाग चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मां जीण भवानी के 9 दिवसीय मेले के दौरान देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने जीण धाम पहुंचते हैं। वहीं जीण माता में दर्शन के बाद श्रद्धालु जीण माँ की आंखों से बने काजल शिखर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु रोप वे का भी आनंद ले रहे हैं। जीण माता जी रोप वे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चालू है और आज ये चौथा दिन है नवरात्रे का, रविवार भी है और जितने भी भक्त हैं उनमें काफी रोमांच है। ये 300 मीटर की दूरी का रोप वे है और जो एक घंटे में होने वाली यात्रा है वो 2 मिनट में भक्त आसानी से पूरी कर सकते हैं। हमने सभी सुरक्षा के और सुविधा के सारे इंतजाम यहाँ किए हुए हैं और भक्त आराम से रोप वे की सुविधा का आनंद यहाँ ले रहे हैं।